हेलो गाइस, आज हम सभी समाकलन में आगे पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार का समाकलन a साइन x प्लस बी कॉस एक्स बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स के रूप के फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉमिनेटर होता है, अंश होता है, उसको हम क्या करते हैं, a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अंश बराबर हम क्या मान लेते हैं, a इंटू हर प्लस b इंटू हर का अवकल गुणांक, अर्थात अंश क्या हमारा a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल टू ए एक कांस्टेंट है इंटू डिनोमिनेटर सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी एक कांस्टेंट लेते हैं डी डी एक्स ऑफ हर क्या है सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। सिंप्लीफाई करेंगे इज इक्वल टू ए इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स ऐसे रख देंगे प्लस बी सी कांस्टेंट है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स प्लस डी कांस्टेंट है कॉस एक्स का यक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। और सिंप्लीफाई करें ए इंटू सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स प्लस बी इंटू सी कॉस एक्स प्लस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा माइनस डी साइन एक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, दोनों पक्षों से साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अगर यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई हम कर देंगे क्या होगा ए सी साइन एक्स, और यहाँ अगर हम बी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन वाला टर्म अलग कर लेते हैं, माइनस बी डी साइन एक्स हो जाएगा, दोनों में से साइन एक्स हम कॉमन कर लेते हैं, प्लस यहाँ क्या होगा ए डी और प्लस क्या होगा बी सी कॉस एक्स। ऐसे ही हर क्वेश्चन में करना है आपको। अब यहाँ से ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, अब यहाँ साइन एक्स का गुणांक क्या है ए सी माइनस बी डी है और यहाँ साइन एक्स का गुणांक क्या है स्मॉल ए है, तो आप क्या करेंगे कंपैरिजन करेंगे, दोनों तरफ जो है साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर ए सी माइनस बी डी इक्वल टू क्या मिल जाएगा ए मिल जाएगा, और यहाँ से कॉस के गुणांकों की तुलना करेंगे तो ए डी प्लस बी सी इक्वल टू बी मिल जाएगा। तो यहाँ दो इक्वेशन मिलेंगे और दो हमें क्या ये ए बी हमने अपने मन से माना है तो इसको हम निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन से दो वेरिएबल को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। जब ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो अंश के स्थान पे हम क्या रख देंगे, जो हमारा नॉमिनेटर है उसके स्थान पर हम ए की वैल्यू मिल जाएगी इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर रख देंगे बी की वैल्यू जो आएगी, और इसके बाद उस फंक्शन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, इस पर आधारित एक एग्जांपल देखेंगे तब आसानी से आपके समझ में आएगा। इसके पहले जो इस टाइप के वीडियो और भी बनाए गए हैं, तो जो लोग पिछले वीडियो ना देखे हों वो लोग उसको देखें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। एक एग्जाम्पल लेते हैं, थ्री टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स
टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स बाई थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स डी एक्स। ये हमारा कोई फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम अभी बताया गया कि डिनोमिनेटर को पहले हम मानते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, सॉरी नॉमिनेटर को मानते हैं, अंश को मानते हैं, टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स इजक्वल टू क्या होगा, ए इंटू डिनोमिनेटर थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस बी इंटू डी डी एक्स ऑफ थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स। आगे a इंटू थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ पे थ्री साइन एक्स प्लस फोर कॉस एक्स का हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे x के सापेक्ष, क्या मिलेगा, थ्री साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स होता है प्लस फोर कांस्टेंट है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, थ्री ए इंटू क्या होगा साइन एक्स होगा, यहाँ से साइन वाला टर्म अलग कर लेते हैं, माइनस फोर बी इंटू साइन एक्स प्लस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे तो कितना होगा फोर ए, और यहाँ क्या है प्लस थ्री बी इंटू कॉस एक्स। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है थ्री टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स। इन दोनों तरफ से हम क्या करते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स के गुणांकों की तुलना करते हैं, तो यहाँ साइन एक्स का गुणांक क्या है टू है और यहाँ साइन एक्स का गुणांक थ्री ए माइनस फोर बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा टू, एक इक्वेशन मिल जाएगा। और यहाँ से क्या मिलेगा हमें कॉस के गुणांकों की तुलना करेंगे तो 4a प्लस 3b इक्वल टू 3 मिल जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्या किया जाए विलोपन विधि से हम हल करेंगे, क्या करते हैं आप चाहे b को विलोप कर दीजिए या तो a को, इक्वेशन फर्स्ट में हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन सेकंड में 4 से, और दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। समीकरण 1 इंटू फोर प्लस 2 इंटू सॉरी 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू फोर से, ज़रा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9 है माइनस 3 4 जा 12 बी इक्वल टू 3 2 जा 6। इसमें क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16 प्लस 3 4 जा 12 बी इक्वल टू 3 3 जा 3 4 जा 12। ऐड करना है ये प्लस माइनस कैंसिल आउट होगा, आएगा क्या 16 प्लस 9 कितना होगा 25 ए इक्वल टू ये 12 और प्लस 6 कितना होगा 18, ए इक्वल टू 18 बाई क्या होगा 25 आर, इसको और सॉल्व नहीं कर सकते हैं तो ए की वैल्यू आएगी क्या 18 बाई 15 25 आएगा सॉरी। इसके बाद हम ए की वैल्यू किस में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, समीकरण एक में ए का मान रखने पर, समीकरण एक में जब ए का मान रखेंगे कितना आएगा 3 इंटू 18 बाई 25 प्लस सॉरी माइनस है माइनस 4 बी इक्वल टू 2, 18 तिया कितना होगा 54 बटा
25 माइनस 4b इक्वल टू 2 आर 4b इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इधर आएगा नेगेटिव होगा। 54 बाई 25 माइनस 2 बाई 1 करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा एलसीएम हमारा 25 होगा। और यहाँ 54 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 50 इक्वल टू आएगा क्या 4 बाई 25। तो वी 4b इक्वल टू 4 बाई 25, तो b इक्वल टू कितना होगा 1 बाई 25 हो जाएगा। तो अब a और b की वैल्यू मिल गई, तो अब क्या करेंगे, a और b की वैल्यू हम अंश के स्थान पे इतना रख देंगे और क्या रखेंगे, a इंटू 3 sin x + 4 cos b प्लस बी इंटू dx ऑफ 3 sin x + 4 cos b। आगे देखते हैं, इंटीग्रेशन इसी के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इसी अंश को हमने क्या लिखा था, ध्यान से देखिए a का मतलब कितना है 18 बाई 25, 2 sin 3 sin x + 4 cos x प्लस dx b इंटू बी का की वैल्यू 1 बाई 25 इंटू dx ऑफ क्या था, dx ऑफ 3 sin x + 4 cos x बाई 3 sin x + 4 cos x पूरे का इंटीग्रेशन। लास्ट लाइन देखते हैं, इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, 18 बाई 25 3 sin x + 4 cos x बाई 3 sin x + 4 cos x। देखिए ये प्लस है, एक पद ये हो गया और एक पद ये, दो पद हो गए, दोनों पदों में अलग अलग हम इससे भाग दे देंगे, क्या होगा 1 बाई 25 इंटीग्रेशन। इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर देंगे क्या मिलेगा, 3 cos x - 4 sin x बाई 3 sin x + 4 cos x dx। ये देखिए दोनों एक ही चीज़ें हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी, 18 बाई 25 1 dx प्लस 1 बाई 25 इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिए अगर हम इसको मान लें t, तो इसका हमें क्या मिल जाएगा, लेट 3 sin x + 4 cos x इक्वल टू t, तो इसका हम अवकलन करेंगे 3 cos x - 4 sin x, x का क्या होगा dx, t का dt। देखिए cos x का माइनस साइन x होता है, इसलिए प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो इतना मिल गया हमें 3 cos x - 4 sin x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। 1 बाई क्या मिलेगा, ये t की वैल्यू है तो dt, 1 बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t होता है, 1 का क्या होगा x के सापेक्ष इंटीग्रेशन x हो जाएगा, प्लस 1 बाई 25 log t की वैल्यू क्या है 3 sin x + 4 cos x, सीधे भी आप लिख सकते हैं, प्लस क्या सी एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, यही हमारा क्या होगा सोल्यूशन होगा। तो कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है, सर्वप्रथम अंश को हम मान लेंगे a इंटू हर प्लस b इंटू हर का अवकलन, वहाँ से साइन एक्स और कास एक्स के गुणांकों की तुलना करेंगे और a और b की वैल्यू गेन करके हम इसी अंश के स्थान पे a और b की वैल्यू पुट करके इसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। दो स्टेप होगा, पहला वाला तो कट जाएगा, उसका तो x ही आएगा, और दूसरा हम हमेशा मान लेंगे
हर को मान लेंगे, अंश आ जाएगा और उसका लाग में हम सीधे लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप ये मानने की भी ज़रूरत नहीं है, ये कैंसिल आउट सीधे हो जाएगा। इसका हम यक्स कर देंगे, 18/25x प्लस 1/25 log, ये जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, सीधे भी एक लाइन में आप लिख सकते हैं, या तो मान के आप हल करें। थैंक यू। एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन